चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी और क्वांटिटीज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, ठीक है। तो सबसे पहले एक देखो, नॉन यूनिफॉर्म अगर वायर है, नॉन यूनिफॉर्म वायर है, एरिया ए वन, इसका एरिया ए टू, ठीक है, और करंट कांस्टेंट है। यहां कह रहा है स्टडी करंट का मतलब करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, करेक्ट है, एन ई ए वी डी होता है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो यानी अगर I कांस्टेंट है तो इसका मतलब एन ई ए वी डी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होगा, यानी ए इंटू वी डी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो अगर मैं ऐसे कहूं VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहां ज्यादा यहां कम, ठीक है ना, यहां पर ज्यादा एरिया यहां कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, अगर एरिया यहां ज्यादा है तो यहां स्पीड कम होगी, और यहां एरिया कम है तो स्पीड हाई होगी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड वेरी करेगी, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या होगा, देखो ड्रिफ्ट स्पीड वेरी कर रही है तो ये ड्रिफ्ट कांस्टेंट हो नहीं सकता, यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को या ड्रिफ्ट स्पीड को, तो यहाँ भी ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, यहाँ भी ड्रिफ्ट स्पीड आ गया, तो जहां जहां ड्रिफ्ट स्पीड है वो तो वेरी करेगा, तो कांस्टेंट क्या होगा, करंट ही सिर्फ कांस्टेंट हो सकती है ना, तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।